हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाई मशीन लर्निंग हमें क्यों सीखनी चाहिए। हमने अगले वीडियो में देखा था कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा, व्हाट इज मशीन लर्निंग, इसके अगले वाला, तो पहले आप जाके वो देख लीजिए। लिंक में आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है। और मशीन लर्निंग का आप प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने पाइथन का भी बना के रखा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं व्हाई मशीन लर्निंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर लिया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई मशीन लर्निंग। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहाँ से आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा पॉइंट है व्हाई मशीन लर्निंग, आइए जल्दी से देखते हैं। तो मशीन लर्निंग हमें क्यों सीखनी चाहिए? तो पहला तो है बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। आप अभी देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड कितना आगे बढ़ रहा है, और खास करके इस लॉकडाउन में, तो मशीन लर्निंग एक काफ़ी यूजफुल टूल हो सकता है। फिर है हाई सैलरीज। आपको पता ही है कंप्यूटर की डिमांड और कंप्यूटर इंजीनियर्स की डिमांड अभी कितनी है। ऐसा नहीं है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तो आपको हाई सैलरी मिल सकती है। फिर है ML इज फ्यूचर। फ्यूचर का ML का यानी कि मशीन लर्निंग का फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आप सबको पता ही है अभी ये टेस्ला है, वो ऑटो मोड ड्राइविंग वाली जो कार बना रही है उसमें किसका यूज़ होता है? मशीन लर्निंग का। फिर इसका यूज़ हो सकता है ट्रेडिंग में। फिर है उसकी हाईली डिमांड है। और ML इज फन, यानी कि ML सीखना ईजी भी है और बिल्कुल मज़ेदार है। फिर यहाँ पे कुछ ML के एप्लीकेशन दिए हुए हैं, कैसे, जैसे कि रिटेल में यूज़ होता है, फिर ट्रैवलिंग में मैंने बताया ना टेस्ला वाला आपको, फिर हेल्थ केयर में यूज़ होता है, फिर फाइनेंस में यूज़ होता है, और फिर मीडिया में। यानी कि इतना ही नहीं, इसके अलावा भी यूज़ होता है, लेकिन ये मेजर पॉइंट्स है। बाकी अभी फ्यूचर में सब जगह पे ML यूज़ होने लगा है। फिर है हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो सकता है, हमने इस वीडियो में, इस स्लाइड में देखा ना हेल्थ केयर में, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ हो सकता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए बेसिक। तो यहाँ पे लिखा है डिजीज आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस में भी यूज हो सकता है। फिर है पर्सनलाइज मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है। फिर ड्रग डिस्कवरी, मैन्युफैक्चर, स्मार्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजीज प्रेडिक्शन एंड मेडिकल इमेजिंग, तो इस सब जगह पे मशीन लर्निंग यूज होता है। फिर यहाँ पे फ्यूचर के कुछ एप्लीकेशन दिए हुए, जैसे कि मशीन लर्निंग इन एजुकेशन। अभी फ्यूचर में एजुकेशन में भी मशीन लर्निंग यूज होने वाला है। फिर सर्च इंजन में तो होता ही है, और फ्यूचर में भी डेवलप होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। फिर है मशीन लर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग और मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर, तो ये सारी जगह है जहाँ पे यूज होता है। फिर है मशीन लर्निंग हमें कौन सी लैंग्वेज में सीखनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा पाइथन। क्यों पाइथन में सीखनी चाहिए मशीन लर्निंग? क्योंकि पाइथन एक तो ईजी है, फिर है फास्ट इनफ है, और हैज ML लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन के पास कुछ मशीन लर्निंग की ऑलरेडी इनबिल्ट या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरी से, जिसका यूज करके हम काफ़ी अच्छा कोडिंग कर सकते हैं, और हमारा जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, तो पाइथन यहाँ पे बेटर रहेगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। जल्दी मिलता है।